राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट ने शनिवार को टोंक में अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। इस बैठक में जिला कलेक्टर के शर्मा, अजमेर आईजी हवा सिंह, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, इन सबके साथ ही नगर परिषद सभापति अली अहमद मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने संक्रमण रोकने के लिए अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों को आम जनता की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। सचिन पायलट ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में कह दिया है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं टोंक में कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ। पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी मेहनत में लगा है। साथ ही सचिन पायलट ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में रहें और कर्फ्यू का पालन करें। गौर हो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव के संपर्क में आए 43 लोगों के नमूने चिकित्सा विभाग ने शुक्रवार देर रात भेज दिए हैं। इनमें से कुल 45 नमूनों का परिणाम आना बाकी है। टोंक में 15 में से एक पॉजिटिव शख्स मिला है। इधर प्रशासन व चिकित्सा विभाग की टीम शहर के रजभन, धन्ना तलाई, इन सभी क्षेत्रों का सर्वे कर रही है। जिन लोगों पर संदेह है या फिर जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नजर आ रहे हैं, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सचिन पायलट अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं और इससे लड़ने के लिए, इससे निपटने के लिए अपने अधिकारियों को तैयार कर रहे हैं। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।